हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो भाई लोग, जिस जिसके पास आईफोन 6s के बाद जिसके पास भी मोबाइल होगा और iOS 15 उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल होगा, तो इसके लिए एक न्यू फीचर आया है जो कि बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का है। सपोज़ फ़ोन में कुछ भी दिक्कत आ गया, कोई फोटो नहीं खुल रहे, कोई बग्स है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि फ़ोन फॉरवर्ड करने से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को जानकारी के लिए चेक कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर iOS 15 में जो फीचर दिया है तो उसमें बैकअप करने के बाद जो अभी फ़िलहाल जो iPhone 12 में और बहुत से फ़ोन हैं जिसमें ई सिम वाला सिस्टम है, तो क्या ई सिम फॉर्मेट करने के बाद वो ई सिम काम करेगा या नहीं, तो ये दोनों चीज़ को देखना है, ठीक है। तो पहले बैकअप कैसे करना है वो पहले आप जान लें, ठीक है। तो हमें सेटिंग में जाना है, ठीक है। आपको पहले यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका बैकअप ऑन है या नहीं, ठीक है। ये iCloud है और ये देखिए अभी मेरा ये iCloud अभी ऑन है, ठीक है। देखिए बैकअप है अपना, ठीक है। तो ये चीज़ ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें जाना है जनरल में, और जनरल में जाने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ, स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद देखिए सबसे नीचे में लिखा होगा ट्रांसफ़र और रिसेट आईफोन, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे तुरंत गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ से आप पूरा बैक चाहिए, और बैक जाने के बाद जहाँ आपका एपल आईडी और आपका फ़ोटो शो करता है उसके ठीक नीचे में परसेंटेज चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि आपका फ़ोन वाईफाई से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई से फ़ोन आपका कनेक्ट होना चाहिए, तभी नेट से नहीं, क्योंकि मतलब बहुत आपके फ़ोन में जितना स्टोरेज रहेगा उस हिसाब से फिर आपका MB भी खाएगा, ठीक है। तो डेटा पे मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाईफाई से आप कीजिएगा और थोड़ा वक्त भी लगेगा, हमने ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा परेशानी आ रहा है मेरा फ़ोन में। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ़ोन में ये लिख रहा है कि रेडी फॉर योर न्यू आईफोन, यानी ये बता रहा है कि आपका दूसरा फ़ोन में सेटअप होने के लिए हम तैयार हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास दूसरा फ़ोन भी लेना है और मतलब कि ये फ़ोन बेच के वो फ़ोन लेना है तो ये बैकअप कर लीजिए, उसके बाद फॉरवर्ड कर दीजिए फ़ोन, उसके बाद आप दूसरा फ़ोन लेके उसमें फिर उसका सेटअप फिर आपको हम इंशाल्लाह हम बताएंगे दूसरा सेटअप में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको, ठीक है, तो हमें वही चेक करना है कि इसको फॉर्मेट करने के बाद इसका ई सिम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ई सिम हमारा काम करता है या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जानकारी लेना है, ठीक है। तो भाई लोग थोड़ा सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को, हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आगे भी और घंटा बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।